डिफरेंस अमंग के इस वीडियो में बात देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके पर मंडरा रहे जानलेवा खतरे प्रदूषण की, और बात होगी ब्रिटेन के शहर लंदन की, जिसका 7 दशक पुराना एक फैसला भारत के लिए नजीर बन सकता है यदि भारत की सरकारें कुछ करने के लिए तैयार हो तो ही। दिवाली से ठीक पहले धनतेरस पर दिल्ली NCR में जमकर बारिश हुई। इस बारिश की वजह से दिल्ली का पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो गया। NCR में जो AQI 500 के करीब बना हुआ था, वो बारिश के बाद घटकर 150 के करीब पहुंच गया था। लेकिन दिल्ली वालों को कौन समझाए, उन्हें शायद साफ हवा में सांस लेना गवारा ही नहीं, इसलिए तो NCR में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। सोशल मीडिया पर पटाखे जलाते हुए लाखों पोस्ट आए, जो खुलेआम ऐलान कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर बैन लगाए या दिल्ली सरकार बैन लगा दे, या फिर दिल्ली पुलिस कितनी भी मुस्तैद हो जाए और चालान ही क्यों ना काटने लगे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। जैसे ही दिवाली की रात गई, नया सवेरा नई परेशानी लेकर आया। दिल्ली में प्रदूषण 600 के स्तर से भी आगे था। आनंद विहार समेत कई जगहों पर तो AQI 900 के पार चला गया और प्रदूषण का यह स्तर आगे भी जारी रहा। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा हुई और उस दिन भी दिवाली में जमकर आतिशबाजी हुई। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जमकर होती रही। राजनीति से इतर बात दिल्ली NCR में पड़ रहे स्मॉग की। ये स्मॉग ही वो समस्या है जिससे आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और ये स्मॉग बनता कैसे है? ये स्मॉग बनता है स्मोक यानी धुएं और फॉग यानी कोहरा या धुंध से मिलकर। अब दिल्ली में धुआं कहां से आया? कुछ तो पंजाब हरियाणा में जली पराली से और कुछ दिवाली पर हुई आतिशबाजी से, लेकिन इससे भी ज्यादा उन गाड़ियों से जो त्योहारों के मौसम में घंटों जगह जगह जाम में फंसी रहीं। और अब जान लेते हैं कि फॉग बनता कैसे है और ये फॉग होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो फॉग या कोहरा कुछ और नहीं बल्कि बादल होते हैं जो जमीन के करीब उड़ रहे होते हैं। यदि आपने पहाड़ों पर सर्दियों के मौसम में सफर किया है तो वहां ये अमूमन नजर आ ही जाते हैं, लेकिन सर्दियां बढ़ने के साथ ही मैदानों पर भी फॉग का असर नजर आता है। फॉग कब बनता है? जब हवा ज्यादा ठंडी और ज्यादा नम होती है, तब फॉग या कोहरा बनता है। जब हवा में जलवाष्प यानी वाटर वेपर एक निश्चित तापमान तक पहुंचते हैं तो सघन यानी घने हो जाते हैं। इससे जो वाटर ड्रॉपलेट्स या बूंदे बनती हैं, वो रोशनी यानी प्रकाश को परावर्तित यानी स्कैटर करती हैं और प्रकाश को धरती पर पहुंचने से रोकती हैं, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रह जाती है। जब 1 किलोमीटर की दूरी तक कुछ भी नजर ना आए तो इसी वाटर वेपर यानी जलवाष्प को कोहरा या फॉग कहा जाता है। अक्सर सर्दियों में आप खबर देखते और पढ़ते होंगे कि एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पायलट्स को रनवे नजर आना बंद हो जाता है। अक्सर कोहरा सूरज ढलने के बाद ही ज्यादा घना होता है और दिन चढ़ने के साथ साथ छंटता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की तपिश बढ़ने से हवा में मौजूद नमी कम होती है और जलवाष्प खत्म होते जाते हैं, जिससे कोहरा छंटने लगता है। कोहरा हमेशा दिखता एक जैसा है, लेकिन इसके बनने की वजह अलग अलग हो सकती हैं। अमूमन कोहरा घाटियों में ज्यादा बनता है जहां सूरज कम देर के लिए पहुंचता है और जहां जमीन की सतह जल्दी ठंडी हो जाती है। झीलों या नदियों के किनारे भी कोहरा घना होता है क्योंकि यहां हवा ठंडी होती है और जलवाष्प जल्दी सघन हो जाते हैं और छोटी बूंदों में बेहद जल्द तब्दील हो जाते हैं। तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोहरा पड़ता है। इस जगह को द ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यूफाउंडलैंड कहते हैं। जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो गर्म नम हवा ठंडी होने लगती है और जलवाष्प कोहरे में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब आप सर्दियों में सांस छोड़ते हैं, जिसे बच्चर अक्सर मुंह से निकलने वाला धुआं कहते नजर आते हैं, वो दरअसल कोहरे का ही एक रूप है। जब तलहटी में बनकर नम हवा ऊपर उठती है और पहाड़ों से टकराती है तो उसका दबाव यानी प्रेशर और तापमान दोनों कम होने लगते हैं और पहाड़ों पर घना कोहरा पड़ने लगता है। तो ये कोहरे के कुछ प्रकार हैं,
इसके अलावा कुछ और भी तरह से कोहरा बन सकता है, लेकिन कोहरा बनने की प्रक्रिया एक समान ही होती है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि फॉग यानी कोहरा प्राकृतिक चीज़ है और इसके बनने से कुछ फायदे भी होते हैं। मसलन, ऐसा माना जाता है कि घना कोहरा गेहूं की फसल के लिए अच्छा होता है। अब बात स्मॉग बनाने में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तु की, जिसे इंसान ने बनाया है और जो प्राकृतिक नहीं है। ये वस्तु है धुआं या स्मोक। स्मोक में वैसे तो कई पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं वो होते हैं PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स। ये बेहद छोटे कण इंसान को गंभीर बीमार बनाते हैं। PM10 कण वो होते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते। ये कण धूल और धातु के छोटे कण होते हैं जो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। PM2.5 कण PM10 से भी 4 गुना छोटे होते हैं। ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। पटाखे और पराली के धुएं के अलावा वाहनों के धुएं में भी PM2.5 कणों की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रदूषण की वजह से बेहद गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। ग्रीन पीस फाउंडेशन एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सिर्फ दिल्ली में 54,000 प्रीमैच्योर डेथ्स का कारण प्रदूषण था। IIT कानपुर की जून 2023 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18% प्रीमैच्योर डेथ्स के लिए प्रदूषण जिम्मेदार होता है, और वो कुछ गंभीर बीमारियां भी जान लीजिए जो प्रदूषण से शरीर में होती है। प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी प्रदूषण जिम्मेदार है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के लिए भी प्रदूषण जिम्मेदार है, और ब्रेन स्ट्रोक भी प्रदूषण से होता है। एक और नई रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज और स्लीपलेसनेस भी प्रदूषण से होते हैं। प्रदूषण से भी ये सभी बीमारियां होने की संभावना बढ़ी रहती है। यानी प्रदूषण हमें सिर्फ परेशान ही नहीं कर रहा, बल्कि हमारी जान भी ले रहा है। और अब वापस लौटते हैं स्मॉग पर। प्रदूषण की शुरुआत कहां से हुई, ये बात हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसमें इजाफा कुछ दशकों पहले ही शुरू हुआ। दरअसल आदि मानव के आग जलाना सीखने से पहले जंगलों में यदा कदा लगने वाली आग ही प्रदूषण फैलाती थी। उस पर भी पेड़ बहुतायत में थे जो प्रदूषण को ज्यादा बढ़ने नहीं देते थे। फिर मानव ने विकास की तरफ कदम रखे, गोबर के उपले बनाकर आग जलाना शुरू किया, कोयले और पेट्रोल डीजल का आविष्कार हुआ और आग जलानी शुरू की गई। ये सब कुछ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। 1847 में डर्बीशायर में जेम्स यंग ने सबसे पहले कोयला खदान की बेहद गहराई में क्रूड ऑयल का पता लगाया। इसके बाद 1948 में जेम्स यंग ने ही क्रूड ऑयल को गर्म कर उससे पेट्रोल और मशीनों के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाया। भारत में क्रूड ऑयल सबसे पहले असम के दिगबोई में साल 1889 में खोजा गया, और 1899 में असम ऑयल कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया। भारत में ऑयल खोजे जाने का किस्सा भी बेहद लोकप्रिय है। दरअसल डिब्रूगढ़ से मार्गरीटा के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस काम में हाथियों को भी लगाया गया था। एक दिन एक हाथी जब कैंप में वापस लौटा तो उसके पैरों पर काला और चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। ये हाथी किसी ऐसी जगह से आया था जहां जमीन के नीचे से तेल निकल रहा था, और यहीं से भारत में तेल बिजनेस शुरू हुआ। लेकिन ये तेल ही प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में शुमार हो चुका है। जब धुआं कोहरे के साथ मिलता है तो स्मॉग का निर्माण करता है। ये स्मॉग इंसानों के साथ ही जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी परेशानी का सबब है। कोहरे की वजह से पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता। अक्सर सर्दियों में पौधे सूख जाया करते हैं। स्मॉग सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों की समस्या है, खासकर उन देशों में जहां हवा ज्यादा तेज नहीं चलती। लेकिन दुनिया के देशों ने बेहद कड़े कदम उठाकर स्मॉग की समस्या से या तो निजात पा लिया है, या फिर स्मॉग की समस्या को बेहद कम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आवागमन के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए भी दिन रात कोयला जलाया जाता है, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है, और ये नुकसान दुनिया के तमाम देशों में होता है। दिल्ली में स्मॉग की समस्या से पहले विकास के पैमाने पर बात करना जरूरी है। दुनिया के विकास के पैमाने क्या है? वो कारखाने जो धुआं उगलते दिखते हैं, गाड़ियों की बिक्री की संख्या, जिससे ये आकलन किया जाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, एयरप्लेन हो या बड़े बड़े शिप्स,
इन चीजों ने सफर को तो आरामदायक और आसान बनाया है, लेकिन गाड़ियां, एरोप्लेन और शिप्स सरीखी चीजों ने प्रकृति को तबाह कर दिया है। इस पर विकास के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने हालात और खराब किए हैं। भारत में साल 2001 से साल 2022 तक 2.19 मिलियन हेक्टेयर पेड़ों की कटाई हुई। सालाना कम से कम 5.6% ट्री कवर भारत में कम होता रहा। इस दौरान 1.11 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में बढ़ी। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण की परेशानी सर्दियों में ही बढ़ती है। प्रदूषण गर्मियों में भी उतना ही परेशान करता है, लेकिन सर्दियों में इसकी बात ज्यादा होती है, क्योंकि सर्दियों में स्मॉग बढ़ता है और स्मॉग से सांस लेने की समस्या बढ़ जाती है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को स्मॉग सबसे ज्यादा परेशान करता है। सांस की बीमारियों के मरीजों को तकलीफ ज्यादा होती है। सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण पर सरकारों के बयान आने शुरू हो जाते हैं और सर्दियां खत्म होते ही ये बयान भी गुम हो जाते हैं। प्रदूषण के खिलाफ होने वाले काम भी रुक जाते हैं। सब कुछ मार्च से अक्टूबर तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है और फिर अक्टूबर से सियासत दोबारा शुरू होती है। स्मॉग पर सर्दियों में तात्कालिक काम करके प्रदूषण को कम करने के प्रयास होते हैं, लेकिन जरूरत है दीर्घकालिक काम करने की, जैसे गाड़ियों से धुआं निकलने को कम किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नया सिस्टम आया है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह अपनाया नहीं गया। और दूसरा है पराली जलाने पर रोक लगाना, जिसके दावे सालों से होते रहे हैं, लेकिन रोक लगी नहीं है। और अब बात लंदन की। साल 1952 में दिसंबर के महीने में लंदन शहर में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बंद करना पड़ा। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 1952 तक लंदन शहर में स्मॉग की घनी चादर बिछी हुई दिखी और लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया। इस घटना को ही ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन कहा गया। माना जाता है कि इस स्मॉग से लंदन शहर में करीब 12,000 लोगों की मौत हुई। हालांकि सरकार ने 4,000 लोगों की मौत की बात कबूल की। इसके बाद लंदन में सरकार ने 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास किया। इस एक्ट में शहरी क्षेत्र में कोयला जलाने पर बैन लगा दिया गया, लकड़ियां जलाने पर भी रोक लगा दी गई। वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। कुछ और भी कदम उठाए गए, जिससे स्मॉग की समस्या काफी हद तक कम हो गई। इतनी कम कि इसके बाद लंदन में कभी स्मॉग बड़ी समस्या नहीं बना। अब बात भारत की। भारत में भी कुछ ऐसे ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लंदन ने तो वैसे टेम्स नदी को भी साफ कर लिया है और वो भी बिल्कुल स्वच्छ नदी बना दिया है, लेकिन भारत तो यमुना और गंगा को भी साफ नहीं कर पाया। भारत को यदि प्रदूषण से लड़ना है तो उसे राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। काम ऐसा करना होगा जिसके दूरगामी नतीजे निकलें। पराली जलाने पर पूरी तरह बैन लगाना होगा, जो सरकारों और आम लोगों की पहल से ही संभव है। फिर चाहे वो केजरीवाल वाला केमिकल छिड़क कर हो या फिर पराली से बिजली बनाकर। और तब तक दिल्ली वालों को जरूरत है कि सुबह शाम सैर पर ना निकलें। बच्चों को घरों में ही बंद रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि घर से बाहर अपने वाहन में निकलने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकलें।